हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है आपका 4 अप्रैल 2023। कल के डेट में यानी मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं जिसको हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक मैंने आपके लिए 3 स्टॉक लेकर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे और फाइनेंशियल निफ्टी को भी देखने वाले हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का जो है वो नेक्स्ट आपका एक्सपायरी होने वाला है, तो उसके हिसाब से भी हमें देखने वाले हैं कि कौन सा वो लेवल हो सकता है जिस पर ट्रेड किया जाएगा। करंट लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहां पर क्रिएट किया है जो कि एक डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है साफ साफ। लेकिन अगर आप देखें एक लेवल जहां पर आपको एक बड़ा जबरदस्त यहां पर गैप अप होते हुए मार्केट दिखा था। कल कौन सा लेवल पर ट्रेड होगा इंट्राडे के हिसाब से मैंने उसके लिए आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक गैप अप जनरेट किया था और इस गैप अप के बाद मार्केट यहाँ पर गया है। कल के डेट में दो ही चीज सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पर भी ओपन होता है तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट है, ये लेवल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा, यानी कि 40,700 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। या फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो 40,000 से लेकर के 40,200 ये दोनों जोन जो होंगे एक सपोर्ट जोन होगा और कहीं से भी मार्केट रिवर्स करके एक अच्छा अपसाइड आपको ट्रेड दे सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखें, बेयरिश के लिए फिलहाल नहीं देखेंगे, लाइव मार्केट में कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको निफ्टी को। तो गाइस अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहां पर आप ट्रेड करना, उसके हिसाब से मैं आपको लेवल बीच बीच में बताता रहूंगा जो भी अपडेट होंगे उसके हिसाब से। निफ्टी का अगर आप देखें तो मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही वीडियो जो बनाया था साफ साफ बताया था गाइस कि मार्केट अगर 17,200 के ऊपर निकलेगा तो हमारा लेवल 17,380 का 82 का होगा। और अगर आप देखें तो मार्केट डिटो जो था वो मेरे लेवल को टच किया था और वहीं से नीचे थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश किया 380 का। डिटो गाइस A to Z लेवल एक दिन पहले आपको बताया था उसी लेवल पर ट्रेड किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेवल है इस रेंज में कहीं ओपन होकर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, मैंने जो लेवल मार्क किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन मेरा लेवल वही है 17,380 के ऊपर निकलता 17,465 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। 17,465 को अगर ब्रेक करता तो हमारा टारगेट होने वाला है नेक्स्ट 17,580 का। तो मेरा लेवल सेम वही होंगे, लेकिन अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो मार्केट इस जोन में कहीं पर भी आने के बाद सपोर्ट बना सकते, यानी 17,200 का लेवल एक सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी फाइनेंस का, और निफ्टी फाइनेंस का कौन सा वह लेवल होगा जिसके ऊपर ट्रेड किया जा सकता है, एक अच्छा लेवल देखते हैं और इंट्राडे में बढ़िया एक लेवल मिल सकता है हमें यहाँ पर। निफ्टी फाइनेंस का अगर आप देखें गाइस तो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्शन बनाता हुआ दिखा है यहाँ पर इसने, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक ही पैटर्न बनाया है और आपसे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, मार्केट ब्रेकआउट दिया है। दो सिनेरियो है गाइस, मार्केट या तो यहाँ से कंटिन्यू करे या तो मार्केट इस जोन में आने के बाद एक सपोर्ट बनाए फिर ऊपर में निकले डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 15 मिनट में देखते हैं कौन सा लेवल हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बनेगा, वो भी एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके लिए एक लेवल यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये देखिए रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और अब जब इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है तो गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया, यानी कि जब कोई भी एक लेवल रेजिस्टेंस होता है मार्केट उसको अगर एक ब्रेकअवे गैप अप दे देता है तो समझ लो कि एक बेहतरीन ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी 17,955 यानी 18,000 का लेवल एक बेहतरीन सपोर्ट हो सकता है गाइस मार्केट का, ध्यान रहे 1800 का 18,000 का लेवल। तो मार्केट अगर नीचे आता है 18,000 के आसपास बेहतरीन ट्रेड हो सकता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में निफ्टी फाइनेंस का ट्रेड किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स वो कौन कौन सा होगा जो कल बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं। मैंने जो भी स्टॉक पिक किया है यहाँ पर गाइस ये 44 और 200 दोनों मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा अपसाइड में दिखा है, और मैंने कल आप लोग को जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें मैंने कुछ लेवल्स बताए हुए थे किस तरीके का ट्रेड किया जा सकता है, उसके हिसाब से ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। सबसे पहले मार्केट को देखना होता है प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस ट्रेंड अप था, मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है, यानी मार्केट ने इस तरह का पैटर्न बनाया था गाइस अगर या तो रिटेस्ट करके मार्केट निकले या ऊपर जाए एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव सिंबल मुझे चोला मंडलम फाइनेंस यानी चोला फिन में दिख रहा है। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहें 762 के ऊपर बाई करेंगे, 8 पॉइंट का टारगेट होगा, 3 से 4 पॉइंट स्टॉप लॉस इंट्राडे में। हालांकि स्विंग ट्रेड में भी चोला फाइनेंस बहुत बेहतरीन स्टॉक मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमने जो पिक किया है वो है आपका आईटीसी। आईटीसी में भी आप देखें प्रीवियस ट्रेंड अप है,
उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से पैटर्न बनाने की यहाँ पर कोशिश किया है और इस लेवल को ब्रेक किया है, तो मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू कर सकता है, इस बात को ध्यान रखें। 383.5 या 384 के ऊपर बाई करेंगे, 4 पॉइंट का टारगेट होगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास जिसका नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेंड अप है, उसका मार्केट ने यहाँ पर आता और एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है, यानी इस लेवल पे मार्केट ने एक रिटेस्ट भी करने की कोशिश किया है, यानी मार्केट यहाँ पर आने वाले एक दो दिन ट्रेडिंग सेशन में बेहतरीन अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। कौन सा लेवल पर ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है और ऊपर की ओर अगर निकलने की कोशिश करता है, यानी 1066 से लेकर के 1078 यानी 1080 के ऊपर बाई करेंगे, इस तरह से मार्केट ओपन होकर के अगर 15 मिनट में ब्रेकआउट देता है ऊपर में तो ट्रेड करेंगे 1080 या 82 के ऊपर बाई करेंगे, कम से कम 10 से 12 पॉइंट का टारगेट होगा गाइस, 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है, इंट्राडे में बेहतरीन ट्रेड आपको यहां पर मिल सकता है। ऑलराइट, मैं कल कोशिश करूंगा लाइव आने का, देखता हूं अगर मैं लाइव आ पाया तो आपके लिए जरूर आऊंगा, बट यहां पर आपको मैंने लेवल बता दिया, उसी के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। इंट्राडे के हिसाब से या स्विंग ट्रेड के हिसाब से चोला फाइनेंस, आईटीसी और टीवीएस मोटर तीनों इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए मुझे बेहतरीन दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तीन स्टॉक में कौन सा स्टॉक है जो कि आपको बेहतरीन ट्राइजेक्शन बनाता हुआ दिखा है। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करने की जरूरत है जो मैंने आपसे पूछा, और गाइज वीडियो आगे फॉरवर्ड करना ना भूले गाइज। आज के लिए मैं यहीं पर रहने देता हूँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।